क्या ही ठंड था भाई, मतलब कुछ दिखता ही नहीं था, चाहे सुबह हो शाम हो, इतना धुंध रहता था, इतना फॉग रहता था। और अभी 2 दिन से ये आप नीचे देख रहे हो काम गाइस, ये करना, काला काला जो इसको दिख रहा है माटी आपको, में छीट देंगे ना, माटी को मिला देंगे तो इसमें से पेड़ अनेक निकल जाएंगे। ये देखो, ये है चिंकी, ये चिंकी की मम्मी, ये चिंकी के पापा, ये चिंकी की बुआ, और ये सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मी अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सभी? क्या आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी सुबह का वक्त है, सुबह के बज रहे हैं 9, सो गुड मॉर्निंग। और भाई साहब जो ही धूप निकला है ना भाई, ठीक से देखा नहीं जा रहा है यार। मतलब 2 दिन से जो ही धूप निकल रहा है, कल भी तगड़ा वाला धूप निकला था, आज भी तगड़ा वाला धूप निकला है, उससे पहले क्या ही ठंड था भाई, मतलब कुछ दिखता ही नहीं था, चाहे सुबह हो शाम हो, इतना धुंध रहता था, इतना फॉग रहता था। और अभी 2 दिन से क्या ही धूप निकल रहा है भाई साहब, तगड़ा पूछो मत यार, भयंकर वाला। और इसी से क्या होता है ना गैस, इसी से होता है फीवर लगता है गैस, बदलता मौसम पता है, कभी ठंडा कभी गर्मी, कभी ठंडा कभी गर्मी। अब 2 दिन से एकदम शीतलहरी लगाया हुआ था गैस, मतलब कि कुछ दिखता ही नहीं था अगल बगल का, इतना फॉग। और अभी 2 दिन से इतना तगड़ा धूप निकल रहा है, इतना तगड़ा धूप निकल रहा है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, देख रहे हो भाई साहब, क्या ही धूप है यार, तगड़ा यार तगड़ा। फिलहाल तो मम्मी बना रही है चाय, और अभी जाना है दुकान में, पापा को जाना है चौक पे, कुछ काम है तो चलते हैं दुकान में गाइस। और ये जो देख रहे हो ना, ये अपराजिता का पेड़ है गाइस, और इसके फूल को ना, मतलब जो फूल सूख जाता है ना, उसको मतलब चाय में डाल के भी पिया जाता है गाइस। और ये 150-200 रुपये किलो बिकता भी है ये फूल, भाई साहब को पता ही नहीं था, मम्मी बतलाई है। और मम्मी अभी फूल ले गई थी इसमें का तोड़कर, जो सूखा सूखा फूल होता है ना गाइस, वो ये वाला नहीं, ये सूखा हुआ फूल नहीं है गाइस, जो सूखा फूल है ना उसको मतलब तोड़कर, और क्या कहते हैं, या तो आप चाय पत्ती में भी सीधा डाल सकते हो, और या तो चाय में भी डाल सकते हो गाइस, चाय बनता है गाइस तगड़ा वाला। फिलहाल तो मम्मी बना रही है इधर चाय, ये देखो चाय बन रहा है गाइस। और ये देखो, ये इसमें डाला हुआ प्राचीता का पत्ता फूल, मतलब ये देखो। और ये बॉडी के लिए भी सही होता है गाइस। और मेरा आवाज देख रहे हो क्या ही चेंज हो गया है ना भाई साहब, तगड़ा वाला गला पकड़ा हुआ है, पूछो मत, मौसम ही ऐसा है गाइस। ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं दुकान में, और दुकान थोड़ा सा गंदा लग रहा है गाइस, तो दुकान को थोड़ा साफ कर देते हैं, देख रहे हो। वैसे पापा सुबह साफ कर देते हैं, बट अभी थोड़ा बहुत गंदा लग रहा है फर्श वगैरह, तो चलो दुकान साफ कर देते हैं गाइस, बैठे बैठे करेंगे क्या, इससे अच्छा कुछ काम ही कर लेते हैं। What is up guys? आ चुके हैं दुकान से वापस, और नहा कर भी रेडी हो चुके हैं। और हर बार की तरह भाई साहब नहाने के बाद जो ही ठंड लगता है, इतना धूप है गाइस, उसके बाद भी टंकी है पानी पर ठंडा रहता है, कुछ भी कहो। ओह चलो भाई दुकान में बैठते हैं, सॉरी छत पे बैठते हैं, दुकान में तो थोड़ी देर में जाएंगे गाइस। और वैसे टाइम 1 बज रहा है, अभी ठीक लग रहा है भाई, नहा लिया है ना, अभी धूप में आया तो अभी ठीक लग रहा है भाई साहब। बट जो 2 दिन से धूप निकल रहा है ना, कल भी तगड़ा वाला धूप निकला था, आज भी तगड़ा ही वाला धूप निकला है गाइस। और उससे पहले जो ही शीतलहरी लगाया हुआ था भाई साहब, मौसम चेंज होता है, वैसे क्या होता है कि बॉडी में इफेक्ट पड़ता है गाइस, और तबीयत खराब होता है, फीवर लगता है गाइस। गर्मी आ गई है, उल्टा गर्मी आ रही है लग रहा है। सही बात है, पता है लग रहा है कि गर्मी आ रहा है, नहा लिए तो ठीक लग रहा है, बट थोड़ी देर के बाद गर्मी लगने लगेगा तगड़ा वाला। हाँ धूप में अगर 5-10 मिनट बैठ जाओगे ना गाइस, तो गर्मी लगने लगेगा। फिलहाल तो आज हवा भी चल रहा है, तो मौसम ठीक है गाइस, वैसे कल हवा नहीं चल रहा था उतना, आज तो थोड़ा बहुत हवा भी चल रहा है। चलो बैठते हैं थोड़ी देर, खाना वाना खाते हैं, फिर चलते हैं दुकान में। ओके गाइस, आ चुके हैं वापस फिर से अपने प्यारे से दुकान में, और अभी यहाँ पे अंडा रखे ना, तो अंडा पे मेरा ध्यान गया, तो गाइस ये देखो, ये अंडा ना यहाँ पे हल्का क्रैक है गाइस, ये देखो, ये देख रहे हो, हल्का नहीं थोड़ा ज्यादा ही है ये। और भाई साहब ये कैसे हुआ भाई, हमको तो लगा बस ऊपर ही में थोड़ा सा, बट इधर भी है और इधर भी, इधर कुछ ज्यादा ही है यार, हल्का सा बस अगर इस पे दबाव पड़ा ना ये फूट जाएगा भाई साहब, पता नहीं कैसे क्रैक हो गया यार। ऑल राइट गाइस, वी आर बैक टू होम, घर पे वापस आ चुके हैं। फिलहाल तो मम्मी जा रही है अभी चाय बनाने के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यो 3 hours later, ओके गाइस, फिलहाल तो दुकान से वापस आ चुके हैं, और अभी हम और मम्मी जा रहे हैं जो अंडा था ना गाइस उसमें
कलाकारी पेंट करने, उसमें आर्ट बनाने के लिए गाइस। तो ये देखो ये पेंट खरीद कर लाए थे, मतलब कि ये स्केच है और ये वाटर वाला गाइस। वैसे ये था हम लोगों के पास बट सोचे तो इसका नहीं बनाए, बट देखते हैं इसका भी इस्तेमाल करके और ये स्केच कलर खरीद कर लाए गाइस। और एक का हाल देखो आप लोग क्या होगा पता है, ये यूबी किया है गाइस, पता है यूबी आया हुआ है। हाँ और ये यूबी का पेंटिंग है गाइस, देख लो इसका नाक देख रहे हो भाई साहब, नाक बनाया या पिछवाड़ा बना दिया समझ नहीं आ रहा है। ये देखो सो गाइस ये देखो, ये है चिंकी, ये चिंकी की मम्मी, ये चिंकी के पापा, ये चिंकी की बुआ और ये चिंकी का चाचा भाई साहब। ये देखो गाइस कुछ खास नहीं बना क्योंकि मम्मी ही बनाती थी पहले, हम मतलब सबको ठीक से नहीं आता बनाया, बट मम्मी को अब आंख से ठीक से दिखता नहीं रहे गाइस, बहुत कम दिखता और उसके बाद रोशनी बहुत कम हो चुका है, इसीलिए कुछ खास नहीं बना बट हाँ अच्छा लग रहा, खराब नहीं लग रहा। यू कैसा लग रहा है यूवी? ये देखो इसमें देखो ये कलर ये सब ना ये सब मम्मी के, हम बस आंख नाक बनाए बाकी और बाल कलर किए, बाकी ये सब जो मेकअप देख रहे हो ये सब मम्मी की है। ये देखो और भी अंडा जब फोड़ेंगे ना गाइस, जब आमलेट वगैरह ये सब बनेगा तो और भी जमा करेंगे, उसके बाद और भी मस्त मस्त बनाएंगे। अभी तो ये बहुत सालों बाद बनाया ना गाइस, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बट अब थोड़ा सा मतलब पता चल गया कि कैसे बनाना है गाइस। तो अब फिर आमलेट वगैरह ये सब बनाएंगे ना, उसके बाद फिर बनाएंगे, बट उस बार अच्छा वाला बनाएंगे, ये भी अच्छा है बट वो थोड़ा ज्यादा अच्छा बनाएंगे गाइस। सो गाइस ये देखो ये है गेंदा का फूल और इसमें जो ये काला काला नीचे में रहता है ना, इसमें रहती है गेंदा में ना फूल में, उसी का पेड़ लगती है। ये आप नीचे देख रहे हो गाइस, ये काला काला जो दिख रहा है आपको, में छीट देंगे ना माटी को मिला देंगे तो इसमें से पेड़ अनेक निकल जाएंगे। एक फूल में से कितने पेड़ आएंगे, और कोई कोई में ना काला नहीं रहता गाइस, कोई कोई में उजला रहता है, तो उसका नहीं निकलता है क्या? नहीं उसका नहीं, बस सब नहीं है, सब में से नहीं निकलता है, जिसमें काला रहता है उसी में से निकलता है। इस सब का फूल निकलेगा, पेड़ जम जाएगा। ये देखो गाइस इसका लगेगा, मतलब कि गेंदा फूल जो होता है ना गाइस, उसके नीचे अगर व्हाइट वाला रहता है ना तो उसका फूल मतलब कि पेड़ नहीं निकलता, और जिसमें काला रहता है ना जैसे कि ये है, इसमें अगर इसको आप माटी पे छेड़ दोगे ना और थोड़ा सा ऊपर माटी थोड़ा थोड़ा डाल दोगे, थोड़ा पानी डाल दोगे तो उसमें से पेड़ निकल जाता है गाइस, और अच्छा पेड़ निकलता है, ग्रोथ अच्छा होता है। अब ये फूल सूखा हुआ है ना गाइस, फिर भी इसमें से देखना, आज तो नहीं रोपेंगे, खैर आज अंधेरा हो चुका है, कल रोपेंगे तो आप लोगों को दिखलाएंगे गाइस। मतलब कि काला वाला जो उसके नीचे होता है ना गाइस, वो अगर आप माटी में रोपोगे ना तो पेड़ मस्त वाला निकल जाता है गाइस, व्हाइट वाला रोपोगे तो नहीं निकलेगा। और गाइस वो फूल सूखा होना चाहिए, हम लोग का तो खैर ये गेंदा का फूल सूखा हुआ है, अगर आपका सूखा हुआ नहीं है, ताजा फूल है गाइस, अगर सूखा हुआ नहीं है तो पहले उसको तोड़ देना या बिना तोड़े भी धूप में रख दोगे, अगर जब तक वो सूख ना जाए, उसका नमी खत्म ना हो जाए, जब तक कि वो कड़ा ना हो जाए तब तक उसको लगाना मत, वरना निकलेगा नहीं। ऑलराइट गाइस फिलहाल तो मम्मी बना रही है इधर रात का खाना, जो कि है पराठा है और आलू गोभी का भुजिया है गाइस। और टाइम कितना हो रहा है वैसे, 9:10 हो रहा है, थोड़ी देर में पापा की दुकान पर आ जाएंगे, और आज कहीं भी बाहर नहीं गए बिकॉज तबीयत थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, मतलब ये ठीक नहीं लग रहा है, गला भी दर्द कर रहा है गाइस, पता नहीं क्यों, मौसम पता तुरंत मौसम बदल जाता है, दो तीन दिन इतना मतलब ठंड था कुहासा और दो दिन से जो ही गर्मी पड़ रहा है ना पूछो मत, बट आज तो थोड़ा ठीक भी लग रहा है, मतलब मौसम ठंडा लग रहा है, बट हाँ इसी की वजह से फीवर लग गया है गाइस, गला मतलब एकदम भारी भारी से हो गया, आवाज भारी भारी से निकल रहा है, इसलिए आज कहीं भी बाहर नहीं गए। ऑलराइट गाइस ये रहा खाना, सो चलते अब खाना खाते है गाइस। ये देखो पराठा आमलेट और आलू गोभी का भुजिया, डिनर करते है भाई साहब। सही गाइस फिलहाल डिनर हो चुका है कंप्लीट, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बने हो चैनल कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना गाइस, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस। भयंकर वाला गला दर्द कर रहा है, भयंकर वाला, और आवाज बहुत भारी भारी हो गया यार, असर दर्द कर रहा है वो अलग, आज रात में ब्लॉग एडिट नहीं करेंगे, आज जल्दी सो जाएंगे गाइस, चलो बाय बाय। Thank you.